एक लड़की थी कल तक जूनियर मेरी, फेल में हुआ तो मेरी क्लासमेट हो गई। वाह। एक लड़की थी कल तक जूनियर मेरी, फेल में हुआ तो मेरी क्लासमेट हो गई। और मैं तो पहले से उस पर फ्लैट था, मगर धीरे धीरे वो भी मुझ पर फ्लैट हो गई। और 2G 3G 4G के जैसे दिन रात वह बेसबब बेहिसाब अपडेट हो गई। और लाख रुपये का हैंडसेट लेके मुझसे वो, लाख रुपये का हैंडसेट लेके मुझसे वो कल मुही किसी दूसरे से सेट। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह हीरामणि, वाह बहुत अच्छा पढ़ा भाई, वाह। मनोज भैया का, सॉरी मोहन भैया का इतना सपोर्ट मिला, बहुत अच्छा। हम क्या बताएं भाई साहब, उनके वाले भी दूसरे से सेट हो गई थी। ये दर्द छलका है, सपोर्ट नहीं है प्यारे। पहले वो भी तो हमारी वाली ही लेके चले गए थे। तो भाई अभिषेक बच्चा, अगर ऐश्वर्या नायर राय ने विवेक ओबराय के साथ धोखा किया तो देख लीजिए, अभिषेक बच्चन ने भी विवेक ऐश्वर्या राय के साथ निपटा दिया, इसमें कोई गलत बात नहीं है। नहीं नहीं ठीक। चलिए मैं चार पंक्तियां और शुरू करता हूँ। स्वागत। ये चाय पानी जो बांटी जा रही है वो कुछ देर के लिए बंद कर दीजिए, चुनाव का समय आएगा तो आप लोगों को पुनः मौका मिलेगा। बहुत हंस रहे हैं भाई साहब, सांसद जी तो कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा रहे हैं जी। मैंने बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन चल रहा है, मैं चार पंक्तियां और सुनाता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है भाई। एक दिन प्रेमिका थी बड़ी ही उदास, तब प्रेमी बोला क्या हुआ है मुझको बताओ ना। देखिए मैं 24 घंटे से भी ज्यादा समय की यात्रा करके आया हूँ, आप लोग थोड़ा आह वाह करेंगे तब आनंद आएगा। हाँ फिर से आप कोशिश करिएगा, मैं कोशिश करता हूँ। मैं सच में बता रहा हूँ, बहुत ढंग का कवि हूँ, आप लोग ढंग से सुनेंगे तो ढंग का सुना पाऊंगा। कि एक लड़की की प्रेम, एक दिन प्रेमिका थी बड़ी ही उदास, तब प्रेमी बोला क्या हुआ है मुझको बताओ ना। चांद हो या तारे सब तोड़ लाऊं तेरे लिए, बस एक बार हाल दिल का सुनाओ ना। इतने में प्रेमिका ही बोल उठी, मेरे लिए प्रेम का प्रतीक आप ताज बनवाओ ना, प्रेम का प्रतीक आप ताज बनवाओ ना। प्रेमी बोला ताज तो मैं आज ही बना दूं पर, प्रेमी बोला ताज तो मैं आज ही बना दूं पर, मुमताज की तरह मर के दिखाओ। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह, मर के दिखाओ। वाह 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 वाह, क्या हो जाती है सर। हाँ भाई साहब समझ में आ रहे हो किस चीज का असर है, कुछ ज्यादा ही जिंदाबाद कर रहे हो, वाह वाह कर रहे हो। वैसे कौन सा ब्रांड है? गोवा, जम्मू, बकार्डी, वोदका, एसिनेट, पासपोर्ट, सिग्नेचर, वैलेंटाइन्स, मैकडॉवेल्स नंबर वन, आफ्टर डार्क, व्हाइट हॉर्स, रॉयल चैलेंज, रॉयल स्टेक, ब्लैक डॉग, ब्लैक वेलवेट, ग्रीन लेवल, ग्रीन मार्क, इंपीरियल ब्लू, ब्लेंडर स्प्राइट, हैवर्ट्स फाइन, जॉनी वॉकर, कैप्टन मॉर्गन, मैजिक मूवमेंट, माल्ट विस्की, मेंस क्लब, कैनेडियन क्लब, रशियन स्टैंडर्ड, ऑफिसर चॉइस, पार्टी स्पेशल, बेक पाइपर, संडेड पाइपर, वेट 69, टीचर्स 50, मंकी 47, कैंडल 5, हनी बी, लिचिको क्रिस्टल। जोरदार तालियां भाई, वाह क्या बात, सीधे मैखाने से निकल के शायर निकल, बहुत अच्छे। या फिर देसी का असर है सांसद जी, आप विश्वास करेंगे? इसको, इसको ब्रांड इसलिए याद है क्योंकि वही सर्व करता है। मैं क्या है, पिछले बार हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी थे बघेल जी, कांग्रेस वाले थे, एक कवि सम्मेलन पहले मैं भट्टी में काम करता था, हमारे यहाँ भट्टी सरकारी है। हाँ एक कवि सम्मेलन में मैं पहुंचा, दुकान का काम कवि सम्मेलन में सुना दिया, मेरे कवि सम्मेलन ढंग के चल गए, उनकी सरकार निपट गई। घटनाएं घट जाती है सांसद जी, अद्भुत देश है हमारा, अद्भुत देश है। मैंने एक शराबी से पूछा भाई साहब इतना पीते क्यों हो, उसने जवाब दिया कि हम प्यास से किसी को यूं मरने नहीं देंगे, मारे बिना उतारा उतरने नहीं देंगे, चाहे गिरे पड़े रहे नाले में खुद, मगर इस देश की जीडीपी को गिरने नहीं। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छा।
से क्या कहने। मेरा एक दोस्त था, उसने कोरोना काल में शादी कर ली, उसने कोरोना काल में शादी करी, उसने एक ही कार्ड छपवाया, उस कार्ड को सबको फॉरवर्ड किया, उस पर लिखा था कि भेज रहे स्नेह निमंत्रण प्रीवर तुम्हें बताने को, हे दावत के राजहंस तुम आमत जाना। मैंने उसको फोन लगाया, मैंने कहा भाई साहब तू मुझे इतना पराया समझता है कि तू मुझे ढंग से इनविटेशन तक नहीं दे सकता। भाई साहब ने कोरोना काल में शादी की थी। उसने जवाब दिया, जवाब ठीक ठाक लगे तो इस उत्सव को महोत्सव में पीछे तक बदलें। उसने जवाब दिया कि ऐसे नमु फुला तुझे इंग्लिश पिलाऊंगा। वाह करो वाह, कि ऐसे नमू फुला तुझे इंग्लिश पिलाऊंगा, तू साथ बैठ तुझको हाले दिल सुनाऊंगा, इस बार परमिशन मिला था बस 50 का, जब दूसरी करूंगा तो पक्का बुलाऊंगा। ये अच्छा है भाई, बाप 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 बाप। अद्भुत सांसद जी, और आजकल डॉक्टर साहब आप विश्वास करें, डॉक्टर साहब कब कौन है जी, प्रणाम करता हूँ सर। क्या है डॉक्टर, डॉक्टर में जबरदस्त एक बात होती है, वो हमेशा प्लस का चिन्ह लेके चलता है। मरीज अगर निपट जाए तो भी डॉक्टर प्लस में रहता है। बाद में ये चीजें मुझे समझ में आई, बहुत ही कमाल का है। प्यार करना बहुत मुश्किल काम है सर, बहुत मुश्किल काम है। मैं एक लड़की से प्यार करता था, उसने प्रपोज को प्रपोज किया, उसने हाँ कह दिया, हाँ कह दिया, उसके बाद हुआ ये, 4 दिन बाद वैलेंटाइन डे मैं उसके पास पहुंचा, तो क्या हुआ कि उसने हमारे प्यार पे डोजर चला दिया, कब्जा नगर निगम का हो ऐसे हटा दिया, कि कब्जा नगर निगम का हो ऐसे हटा दिया, ले कल कमल गुलाब के बदले क्या चल दिए, लेकर कमल गुलाब के बदले क्या चल दिए, जालिम ने भाज पाई समझ कर भगा दिया, जालिम ने भाज पाई समझ कर भगा दिया। प्यार करना सच में मुश्किल काम है सर, कि हम भी दीवाने थे कभी पर आज कल नहीं, मतलब ही क्या जहां सुकून का एक पल नहीं, बोली तुम्हारे दिल पे बस मेरा ही राज हो, बोली तुम्हारे दिल पे बस मेरा ही राज हो, हमने कहा ये दिल है कांग्रेस दल नहीं, हमने कहा ये दिल है कांग्रेस दल नहीं। मैं प्यार मोहब्बत की बात छोड़ा सर, मैं लव मैरिज को छोड़ करके अरेंज मैरिज की ओर गया, अरेंज मैरिज की ओर गया तो एक लड़की जो है मेरे पास आई, उसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने कहा कितना प्यार करती हो, उसने कहा बहुत प्यार करती हूँ। मैंने कहा बहुत मतलब कितना, बोली मेरा प्यार LIC वाला, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तालियां आप उठेंगे सर, मैं जानता हूँ। मैंने कहा वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरा प्यार घड़ी डिटर्जेंट वाला, पहले इस्तेमाल करें बाकी आप तालियां बजा के बताएं। और दादाजी तो प्यार मोहब्बत की बात पे, चाचा जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, चश्मा पोछ पोछ के देख रहे हैं। कि अब बूढ़े भी कलियों को पसंद आने लग गए, हर बाग में किस्मत आजमाने लग गए, और हमको अनूप जलोटा समझ ले यहाँ कोई, ये सोच कर ही दादा भजन गाने लग गए। वाह वाह। मैं अरेंज मैरिज की ओर गया सर, अरेंज मैरिज की ओर गया तो मैं लड़की देखने के लिए गया, मेरे साथ जो घटना घटी वो सुनिएगा। सारी चीजें ओके हो गई, हम लड़की और लड़के को एक कमरे में बंद कर दिया गया, दोनों आपस में बात करो, हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे, शर्माते रहे, देखते रहे, शर्माते रहे, देखते रहे, शर्माते रहेंगे, जब सब आप सब तालियां नहीं बजाएंगे, देखते रहेंगे, शर्माते रहेंगे, देखते रहेंगे, शर्माते रहेंगे। अरे बहुत। मैंने बड़ी हिम्मत करके उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, छोरी नर्स थी, उसने जवाब दिया कि इस दिल को ICU से बिल्कुल न तोलिए, निडिल चुभा के ड्रिप में मत इश्क घोलिए, वैसे हमारा नाम है स्वीटी मगर यहाँ, वैसे हमारा नाम है स्वीटी मगर यहाँ, हमको तो आप प्यार से सिस्टर ही बोलिए, हमको तो आप प्यार से सिस्टर ही बोलिए। इस प्रकार की घटना घट जाती है। और विधायक जी आपको मैं बताऊं, नाम का कुछ खास लेना देना नहीं होता, विधायक महोदय जी भी हैं शायद, अच्छा सांसद जी हैं जी, तो सांसद जी मैं आपको बताऊं कि नाम का कुछ खास लेना देना नहीं होता, मोदी जी कहने से आप समझ जाते हैं कि बात नरेंद्र मोदी की हो रही है, नीरव मोदी की नहीं।
गांधी जी कहने से आप समझ जाते हैं कि गांधी जी महात्मा गांधी के लिए बात हो रही राहुल गांधी की नहीं। हाँ। और गांधी जी बोलने से तो हमारे भाई साहब के चेहरे पे बहुत ज्यादा मुस्कुराहट आ जाती है। नहीं, सच में आपको बता रहा हूँ, नाम का कुछ खास लेना देना नहीं है कि नाम में भला क्या रखा है बताओ प्यारे तुम, शांति भी तो क्रांति का भी गुल ही बजाती है। और एकता है नाम जिस लड़की का, वो भी रोज गांव के तमाम लड़कों को लड़वाती है, गांव के तमाम लड़कों को लड़वाती है। और शीतल है नाम जिस लड़की का, हर पल अपनी जुबां से बस आग बरसाती है, अपनी जुबां से बस आग बरसाती है। और खुशबू है नाम जिस लड़की का, वो तो बस खुशबू है नाम जिस लड़की का, वो तो बस महीने में चार पांच दिन ही नहाती है, महीने में चार पांच दिन ही नहाती है। कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी को खूब लाद करे, आठ तोले सोने का है हार ये बता रहे। और देखो क्या जमाना आ गया है कि संवरने को पार्लर भी ये सज धज कर जा रहे। और इंस्टा में पापा को ही ब्लॉक करके सनम बायो में ये पापा की परी है बतला रहे, बायो में ये पापा की परी है बतला रहे। और आलू का गोदाम जैसे पेट व कमर लेके, आलू का गोदाम जैसे पेट व कमर लेके, रील पतली कमरिया पे ही बना, रील पतली कमरिया पे ही बना। उद्देश्य सरा, हम पुरुषों का हर जगह शोषण, बहुत अच्छे, हर जगह शोषण हो रहा है। कि मीठी सी है चाय बेटी, कड़वा सा काढ़ा बेटा, दोनों को ही पापा हाफ हाफ करते रहे। और बेटियां हैं लक्ष्मी किंतु बेटे कोई देव नहीं, ऐसा क्यों अजीब वो इंसाफ करते रहे। डॉक्टर साहब, अक्सर ये कहा जाता है बेटी के जन्म होने पर कि हमारे घर साक्षात लक्ष्मी ने जन्म लिया है, साक्षात सरस्वती ने जन्म लिया है। आप में से किसी ने आज तक सुना किसी बेटे के जन्म होने पर यह कहा जाता हो कि हमारे घर साक्षात विष्णु ने जन्म लिया है, साक्षात बाबा काशी विश्वनाथ जी ने जन्म लिया है? हमको तो भाई साहब काल नेमी समझा जाता है। ये दमदार भैया बड़े कवि हैं, ये कहते हैं कि बेटियां घर आंगन की तुलसी होती है। तो दमदार भैया आप ही बताइए, हम बेटे के चौक चौराहे के कुकुरमुत्ते होते हैं? दीदी आप कहती हैं कि हम पापा की परियां हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम भी पापा के पारा हैं। हमको देखते ही उनका चढ़ जाता है, और जब तक के ढंग से हमारी कुटाई नहीं होती उनका उतरता ही नहीं है। और कई बार तो उनका उतारने के चक्कर में उनको उतारा देना पड़ता है, और उतारा देने के चक्कर में कभी कभी अपना ही उतर जाता है। क्या बात है, तालियां कमजोर है आप लोगों की, और तालियां वही बजा रहे हैं जिन लोगों की यही हाल। बहुत अच्छा पढ़ रहा है भाई, हम पुरुषों का हर जगह शोषण हो रहा है भाई साहब, हर जगह शोषण हो रहा है। मैं पिछले दिनों एक लेडीज वियर में पहुंच गया सर, वो भी गलती से, लेकिन मैं तो छत्तीसगढ़ का कवि, ऊपर से भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड में काम करने वाला, मैंने वहां से निकलने का जुगाड़ जमाया। मैंने कहा कि भाई साहब कुछ दिखा दो, उसने कहा क्या दिखा दो, मैंने कहा कपड़े दिखा दो, उसने कहा सर अपने पास कपड़े ही मिलते हैं, आपको क्या चाहिए बताओ। मैंने कहा तेरे पास जो है वो दिखा दो, उसने कहा सर अपने पास कुर्ती लहंगा सलवार साड़ी मिडी गाउन लाइक्रा प्लाजो कार्गो टक्सीडो स्कर्ट मैक्सी पोंचो शॉर्ट्स जींस लेगिंग सल्टर बाथरोब कॉर्डिगन कॉर्सेट कॉकटेल क्रॉप टॉप कैवी टॉप स्विम सूट ट्रैक सूट जंप सूट ट्रेंच कोट ओवरकोट लेदर जैकेट डेनिम जैकेट ऑफ शोल्डर वन शोल्डर चाइना चोली अनारकली चिकन कली शरारा सूट गरारा सूट पटियाला सूट सब है, आपको क्या चाहिए ये बताओ। वाह। और सांसद जी आप और हम तो लड़के, आपको हमको तो चड्डा बरमुड़ा निक्कर और कैपरी में अंतर नहीं पता, अपन क्या बताएं क्या लेना। तालियां कमजोर है आप लोगों की, तालियां बजती है इधर पे। बहुत अच्छे भाई बाप। कि मीठी सी है चाय बेटी, कड़वा सा काढ़ा बेटा, दोनों को ही पापा हाफ हाफ करते रहे। और बेटियां हैं लक्ष्मी किंतु बेटे कोई देव नहीं, ऐसा क्यों अजीब वो इंसाफ करते रहे। और बेटी तो पराए घर जाएगी ये बोल बोल, गलतियां दीदी की वो माफ करते रहे। और हमको तो बस तकिया समझ रोज कूट कूट कर धूल साफ कर रहे। लेकिन भाई साहब हम आपको बता दें, हम पुरुषों के भीमराव अंबेडकर हैं। अगर आपको कोई लड़की सताए तो उनको ये चार पंक्तियां फेंक कर मार दीजिएगा। सारे पुरुष लोग दिख रहे हैं, अब मैं देखना चाहता हूं कि आप अपने पुरुषार्थ में कितनी तालियां बजाते हैं। एक लड़की के ऊपर मेरा दिमाग खराब हो गया तो मैंने उसको यही कहा कि नजर में है खराबी तो किसी चेकअप का क्या मतलब, मोहब्बत है तुम्हें हमसे तो फिर ब्रेकअप का क्या मतलब। वाह,
नजर में है खराबी तो किसी चेकअप का क्या मतलब, मोहब्बत है तुम्हें हमसे तो फिर ब्रेकअप का क्या मतलब। तू सजती है संवरती है मगर इतना बताती जा, जो हम लड़के न देखे तो तेरे मेकअप का क्या मतलब। जो हम लड़के न देखे तो तेरे मेकअप का क्या मतलब। हालांकि सांसद जी हम बेटियों के ऊपर, पत्नियों के ऊपर, प्रेमिकाओं के ऊपर कितने भी हास परिहास कर ले, चुटकुले कर ले, ये अलग विषय है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि है ख्वाहिश आसमानों से भी ऊंची जिंदगानी में, है ख्वाहिश आसमानों से भी ऊंची जिंदगानी में, मगर सब कुछ हम ही पर ही लुटा दी जिंदगानी में। बहन बेटी माँ पत्नी प्रेमिका बन लड़कियां अक्सर, बहन बेटी माँ पत्नी प्रेमिका बन लड़कियां अक्सर, हर एक किरदार जीती है बखूबी जिंदगानी। क्या बात है, हर एक किरदार जीती है बखूबी जिंदगानी में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा।